गरम गरम मम्मी के हाथ के बना हुआ मेथी के पराठे खा के हम लोग निकल चुके हैं डेंटिस्ट के पास। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Payal and welcome to another exciting vlog. So, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी दांतों में प्रॉब्लम है, तो वीकेंड की वेट में हम लोग कर रहे थे, तो आज है सैटरडे एंड आज हम लोग जाएंगे वही डेंटिस्ट के पास, तो देखते हैं उधर जाके क्या होता है। आज से शायद मेरी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड जितना तक मुझे पता है तो ट्रीटमेंट लगभग 6 days चलेगा, तो पता नहीं जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी हम लोग निकल जाएंगे घर से। तो वो भी आ रहे हैं, देखिए कहाँ हो आप। इधर देखिए हमारे गार्डन में ये जो टॉप्स देख रहे हो ना आप, जो हैंगिंग टॉप्स है, ये सब नया है, ये सब नया नया लगाया हुआ है। बाकी हमारे गार्डन में बहुत सारे गेंदे आए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे मैरीगोल्ड, बहुत सारे मैरीगोल्ड आए हुए हैं। ये पे है, ये हाँ पे है, यहाँ पे है, पीछे तो बहुत है, सिर्फ गेंदा ही गेंदा। इतना सारे तो फ्लावर्स लगते नहीं है पूजा में एंड देखने में बहुत अच्छा लगता है, इतना सारे तो हम लोग प्लक भी नहीं करते हैं एंड पकड़ने में मन भी नहीं करता है। गाइस हम लोग डेंटल केयर पे आ चुके हैं एंड देखती हूँ अगर कितना ट्रीटमेंट का वीडियो ले पाती हूँ, अगर ले पाती हूँ देन डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अंदर जाके बैठती हूँ। मेरा जो क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट नंबर था वो 4 नंबर था पिछले बार की जैसा ही, लेकिन हम लोग आते आते लेट कर दिए इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा उधर। टेंटाना, तो फ्रेंड्स ये है रूट कनाल ट्रीटमेंट की पूरी प्रोसेस जिसमें से मुझे अभी गुजरना है एंड आज है पहला दिन यानी कि पहला स्टेप जो मुझे करना है एंड डेंटिस्ट मुझे लेके चले गए हैं। मुझे ना बहुत ही डर लग रहा था बिकॉज ये सब इक्विपमेंट्स देख के मुझे डर लग गया था एंड जब वो एनेस्थीसिया दिया ना देन मैं तो रो ही दिया, बस रोक नहीं पाई खुद को, बहुत ही दर्द हुआ था एंड उसके बाद से तो मुझे पता ही नहीं चला। जब एनेस्थीसिया वर्क करने लग गया तो मुझे उसके बाद से पता ही नहीं चला, लेकिन एनेस्थीसिया जब दिया भाई गॉड मैं एकदम से रो दिया मैंने। तो उसके बाद से यही है मेरा ट्रीटमेंट का प्रोसेस, आप देखते रहिए। मुझे मैंने ज़्यादा नहीं लिया बिकॉज ये अजीब लगता है बिकॉज उधर साइड में ना एक लड़की थी, मतलब बच्ची थी, वो भी बहुत ही रो रही थी एंड उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अजीब लगता है ना लाइक फिर भी मैंने डॉक्टर से बातें करके, डॉक्टर जी बहुत ही फ्रेंडली मेरे से बातें करके मेरी माइंड डाइवर्ट करके ये सब किया, पूरी प्रोसेस को अच्छे से किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे एंड देन देखते रहिए आप लोग। एनेस्थीसिया दे के मुझे अभी बिठा के रख दिया है, बहुत ही पेन हो रहा है, मेरा तो हालत खराब हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना डेंटिस्ट मेरी दांतों में कुछ तो इंसर्ट कर रहा था, मुझे पता नहीं वो क्या है एक्चुअली, बहुत मतलब रॉड के जैसा कुछ तो घुसा रहा था एंड वो घुसा के ना फिर मेरे हस्बैंड को बोल रहा है कि ये जो क्लिप है ना ये अच्छे से उठाना बिकॉज जब भी वीडियो मतलब चॉकलेट खाने का मन करेगा ना तो ये वीडियो उनको याद आ जाएगा कि दांतों में कुछ तो गया था चॉकलेट की वजह से। तो यही है बाकी का प्रोसेस, वो सब अच्छे से बहुत ही अच्छे से कर रहे थे एंड ये हो गया मेरा ट्रीटमेंट धीरे धीरे। মাগো কেন কল এই চিন্তা করো, মেন জিনিস তো হয়ে গেছে, তো ব্যাপার কিছু নাই। गाइस हम लोग क्लिनिक से निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग जाएंगे घर, घर नहीं एक्चुअली बाजार जाना है, कुछ लेना है। घर फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो चुका है, पता नहीं बाकी का, मतलब बहुत ही पेन हुआ है, बहुत बुरी तरीके से पेन हुआ है।
गाइज हम लोग निकल तो चुके थे मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट जाके एक भी वीडियो नहीं कर पाई बिकॉज मेरी दांतों का जो पेन है ना वो बढ़ता चला गया था एंड चुपचाप हम लोग घर चले गए थे। गाइज मैं घर आ चुकी हूँ एंड ट्रीटमेंट तो ठीक ही चल रहा है। आज फर्स्ट डे है तो जो जितना करना पड़ा वो ही किया है एंड बाकी और भी 5 दिन है जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आई थिंक मंडे या फिर ट्यूसडे हम लोग जाएंगे। तो मैं अभी और वीडियो ये लंबा नहीं कर पाऊँगी बिकॉज बहुत ही पेन हो रहा है, बात भी नहीं कर पा रही हूँ, पेन हो रहा है मुझे। तो अभी थोड़ा बहुत लंच करूँगी, लंच कैसे करूँगी वही सोच सोच के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो करना तो पड़ेगा। तो लंच करके थोड़ा रेस्ट करूँगी तो मिलती हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट ट्रीटमेंट के दिन। तो आज के लिए इतना ही।